चैनल तहजीबुल बयान को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप हजरत बख़ैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को और जितने हजरत मेरे स्टूडियो को देख रहे हैं तमाम को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। आज मैं आप हजरत को एक वाक्य सुनाता हूँ। एक ऐसी बाप और ऐसी बेटी का जिसको सुनकर आप खुद एक बेटे की कीमत को जान लेंगे। एक बाप अपने बेटे का वाक्य सुनाते हुए कहता है कि एक मर्तबा मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अब्बा जान, बाबा जान, क्या आपने मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको कभी रुलाया है, कभी आपको मैंने सताया है? अब्बा जान ने कहा जी हाँ बेटी। तो बेटी ने हैरत से कहा बाबा जान वो कौन सा वक्त था कि जब मैंने आपको सताया है? अब्बा जान ने कहा कि बेटी उस वक्त जब तुम एक साल की थी, ठीक से चलना भी नहीं सीखी थी, घुटनों के बल घिसड़ती थी, मैंने उस वक्त तुम्हें आजमाने के लिए और तुम्हारे मोहब्बत को देखने के लिए मैंने तीन चीज़ों को तुम्हारे सामने रखा था। उसमें से एक कलम था, नंबर दो पैसे और नंबर तीन पर खिलौने थे। मैं आपको आजमा रहा था कि आप इन तीनों में से कौन सी चीज़ को पसंद करोगी। अगर आप पैसे को पसंद करती तो मैं उससे मुराद लेता माल और जायदाद को, और कलम को पसंद करती तो मैं अकलमंद होशियारी दानिशमंदी को मुराद लेता, अगर आप खिलौने को पसंद करती तो फिर मैं तुम्हारे लुत्फ अंदोज होने को पसंद करता। फिर क्या हुआ, बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारी आंखें, मासूम सी आंखें इन खिलौने पर देख रही थी, इन खिलौनों को गौर से देख रही थी, और मैं एक तरफ अपनी खामोश आंखों से तुम्हें देख रहा था, लेकिन तुम अपने घुटनों के बल, अपने बाजू के जोर से घसीटती हुई इन खिलौनों को एक तरफ करती हुई मेरे गोद में आकर तुम बैठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा एक इंतखाब, तुम्हारे एक पसंद मेरी गोद भी है, मेरी मोहब्बत भी है। मेरी प्यारी बेटी, ये मेरा सबसे पहला और सबसे आखिरी दिन था कि आपने मुझे रुलाया और बहुत रुलाया। दोस्तों, बेटी अल्लाह ताला की नेमत होती है, जहमत नहीं होती। अल्लाह ताला ने अगर हमें बेटी से नवाजा है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की। अल्लाह ताला तूने हमारे घर में रहमत अता फरमाई, तूने बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का घर भी बेटियों से बड़ा हुआ था। आपके अज़वाज मुतहरात भी कसीर थी, आपकी बेटियां भी चार थी। इसीलिए अजीज़ों, अगर बेटी है हमारे पास, उसको नेमत और रहमत समझ के अपने पास रखे, उसकी परवरिश करिए, और जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाए उसके अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी करवाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।